हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे इन चार फर्टिलाइज़र के बारे में जो कि हमारे घरों में बहुत ही आसानी से मिल जाते हैं। तो इन चारों फर्टिलाइज़र से हमारे पौधों को क्या मिलता है और क्या फ़ायदा होता है, इसी के बारे में हम बात करेंगे। तो वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कर दें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो ये चार फर्टिलाइज़र हैं, आलू के छिलके के पानी हैं, और ये दूसरा चाय पत्ती के पानी है, और तीसरा चावल का पानी, और ये जो चौथा ये प्याज और लहसुन के पानी है। इसे हम क्या करते हैं, इसे 24 घंटे के लिए हम पानी में भिगोकर छोड़ देते हैं, और अगर ठंड का दिन है तो इसे हम 48 घंटे के लिए पानी में छोड़ देते हैं। उसके बाद इस पानी का उपयोग हम अपने पौधों में करते हैं, जैसे कि अगर हमारा जो आलू का छिलका जो हम है एक आलू का छिलका लिए हुए हैं तो ये, और ये एक गिलास पानी है शीशा का हमारा जो गिलास है, इसमें अभी हम क्या करेंगे, 1.5 लीटर पानी में से मिक्स करेंगे तब अपने पौधों में डालेंगे। इसी तरह इस चाय पत्ती के भी पानी को 1 लीटर पानी में से हमें मिक्स करके डालेंगे, चावल का पानी को भी और प्याज और लहसुन के भी पानी को, सभी को हम अभी 1 लीटर पानी में मिक्स करके तब अपने पौधों में डालेंगे। आप इसे चाहें तो एक साथ मिक्स करके भी डाल सकते हैं, और अगर आप चाहें तो इसे अलग अलग करके भी डाल सकते हैं। जैसे किसी एक को हम डाले हैं आलू के पानी को, अगर हम आज डाले हैं तो फिर 12 दिन के बाद 13 दिन के बाद फिर हम चाय पत्ती के पानी को डालें, ऐसे करके डिस्टेंस दे करके और डालने से हमारे पौधे को बहुत ही फ़ायदा मिलता है। अलग अलग तरह के पौधे को हमारे सारे जो तत्व होते हैं वो मिलते रहते हैं। अगर एक साथ डालना चाहते हैं तो उसे भी उस तरह से भी डाल सकते हैं, लेकिन इसमें जो है अगर हमारे ये चारों को मिला करके 1 लीटर पानी बनता है तो इसमें हम अभी और 3 लीटर पानी मिक्स करेंगे और उसके बाद अपने पौधों में डालेंगे। तो प्याज के छिलके से हमें क्या मिलता है, पौधों को आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम और कॉपर जैसे मटेरियल पाए जाते हैं जो हमारे पौधों को बहुत ही फ़ायदेमंद रहते हैं। इससे हमारे पौधे की जो कलियाँ होती है, फूल होते हैं, वो बहुत ही बड़े बड़े फूल होते हैं, और जो कलियाँ गिर जाती हैं वो नहीं गिरती है। पौधे की जो समस्या होती है खासकर पत्तियाँ पीली होना और कलियाँ गिरना, ये समस्याएं ख़त्म हो जाती हैं। चाय पत्ती से भी हमें फास्फोरस, पोटेशियम, नाइट्रोजन मिलता है जो कि पौधों में NPK का काम करता है, और हमारे गमले की मिट्टी का जो pH लेवल है उसे बरकरार बनाए रखता है, और हमारे जो पौधे की जो पत्तियां हैं इनसे चमकदार होती हैं। चावल का पानी को आप जब हम खाना बनाते हैं, चावल को पकाने जाते हैं तो उसे धोते हैं, तो धोते समय जो उसका जो पहला पानी होता है उस पानी, अगर हमारा वो पानी 1 लीटर निकलता है तो उसमें हम उसका और 1 लीटर पानी मिक्स करके और पौधों में डालते हैं और उसका स्प्रे भी करते हैं। तो स्प्रे करने से भी फ़ायदा होता है, उससे कीड़े जो होते हैं वो पौधे के आसपास नहीं आते हैं, और आप चाहें तो उसका जो हम लोग चावल पकाने के बाद जो पानी आता है उसका भी उपयोग कर सकते हैं। वो भी बहुत ही अच्छा लिक्विड और हमारा फर्टिलाइज़र बनता है जो हमारे पौधे के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। तो उसमें भी हम पानी को मिक्स करके ही पौधों में यूज़ करेंगे। चावल के पानी में भी कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन, जिंक, पोटेशियम जैसे हमारे पौधों को मिलते हैं जो कि हमारे पौधों को हमेशा ये हरे भरे रखते हैं। खासकर हमारे पौधे में जो परेशानियां होती है कलियां गिरना, फिर से फूलों का सही छोटा होना, पत्ते पीले होना, कलियां भी छोटे छोटे आना, इन सारे परेशानियाँ जो है इन चारों फर्टिलाइज़र से ख़त्म हो जाते हैं। आप ये इसका इस्तेमाल हम खुद अपने पौधों पर किए हुए हैं, और इसका रिज़ल्ट जो है सो हम आप लोगों को दिखाए भी हुए हैं, और आप अभी देख भी रहे हैं कि कितने अच्छे से हमारे पौधों पर इसका इफ़ेक्ट होता है।
इतने अच्छे से इसमें कलियां हमेशा आते रहती हैं, फ्लावरिंग्स होते रहते हैं। तो ये हमारा अपना इस यूज़ ये खुद हम अपने पौधे पर यूज़ किए हुए हैं और इसका रिज़ल्ट मुझे बहुत ही अच्छा मिला है। तो आप भी अगर आप परेशान अगर आप भी अपने पौधों से इन समस्याओं से परेशान हैं तो इस टिप्स को फॉलो करें और अपने पौधों को हेल्दी बनाएं। तो इस वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। तब तक बाय।